तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एसआई भर्ती पर सरकार को नोटिस, एचएसएससी और सरकार से मांगा जवाब, दोबारा आएगा रिजल्ट, एचएसएससी को फटकार। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है एचएसएससी और सरकार को। क्या खबर है, पूरी खबर दिखा देते हैं आपको एक बार। संकट, 465 एसआई की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार को नोटिस। सामाजिक व आर्थिक मानदंड पर अंकों का लाभ देकर जारी किया था परिणाम। ये देखिए, 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी करने, उन्हें नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और ज्वाइनिंग के बाद दाखिल इस याचिका से अब चयनित 465 एसआई की नौकरी पर तलवार लटक गई है। याचिका दाखिल करते हुए प्रदीप प्रिंस शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती के पद के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। याची ने बताया कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। याची ने कहा कि इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। उसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीटी के तहत हो रही ग्रुप सी और डी की भर्तियों के समय भी हाईकोर्ट इन अंकों को लाभ असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटाकर मेरिट सूची जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता चयन सूची में अपना स्थान बना सकते हैं। याचिक ने हाईकोर्ट से अपील की कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगा दी गई है कि जो रिजल्ट था इसको रद्द किया जाए और दोबारा रिजल्ट निकाला जाए, जो सामाजिक आर्थिक आधार पर लगे हैं उनको बाहर किया जाए और दोबारा भर्ती, मतलब दोबारा रिजल्ट ये घोषित किया जाए। ये यहाँ पर अपडेट आई है। सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया गया था परिणाम, तो बड़ी अपडेट आई है। सरकार को नोटिस आ चुका है, एचएसएससी को नोटिस भी आ चुका है। तो आप देखने वाली बात ये होगी, क्या रिजल्ट दोबारा घोषित होता है तो कब घोषित होता है। जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो इस भर्ती पर तलवार लटकी पड़ी है और 465 एसआई की भर्ती का रिजल्ट दोबारा घोषित होने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, सरकार को नोटिस भेज दिया, एचएसएससी को नोटिस भेज दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब एचएसएससी को नोटिस भेजती है या क्या करती है, क्या दोबारा रिजल्ट निकालने को कहती है, क्या कुछ खबर आएगी वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय जवाहर।